आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जो हमारे पास डाटा डिलीट हो जाता है, डिलीटेड डाटा उसे कैसे रिकवर करते हैं। एक सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स कैम आज़म यूट्यूब चैनल एंड आई एम मोहम्मद आज़म जावेद। तो सॉफ्टवेयर है जी हमारे पास रेक्यूवा, इसका चैनल, इसका लिंक मैं लगा देता हूँ किस में, अपनी डिस्क्रिप्शन में। तो आपने लिंक को फॉलो करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करते ही आपने डाटा, जो मैं प्रोसीजर आगे ऑन स्क्रीन बताने जा रहा हूँ, इसको फॉलो करना है आपने। और आई एम श्योर 100% कि आपका डाटा 95+% तक जो है वो रिकवर हो जाता है। तो मैंने कई दफ़ा से ट्राई किया, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है ये अक्सर, लेकिन आपका डाटा जो है वो डिलीटेड जो है वो रिकवर कर देता है। इसके पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो ये हैं कि आपने जैसे ये सॉफ्टवेयर को रन करवाना है तो आपने डीप स्कैन करना है पहली। दूसरे नंबर पर बात किया है कि अगर आपके पास कोई किसी लैपटॉप से, किसी फाइल से डाटा डिलीट होता है तो आपने उस फाइल में मज़ीद और डाटा नहीं फिल इन करना शुरू कर देना, या उस डिवाइस के साथ या उस फाइल के साथ। लेट्स सपोज मेरे पास ये है C फोल्डर है, इसमें जो डाटा है डिलीट हो गया या D से हो गया या E से हो गया, तो आपने इसमें मज़ीद डाटा फिल नहीं करना। स्टोरेज जो है आपने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपने सिंपली क्या करना है, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और डाटा रिकवर करने की कोशिश करनी है। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर का नहीं भी पता या आप नहीं भी खुद करना चाह रहे, आपने दुकान पर भी लेके जाना, तो भी आपने ये काम करना है कि उस स्टोरेज डिवाइस के साथ या उस स्टोरेज डिस्क के साथ किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी कि डाटा उसमें ना करना है, ना उससे उसमें नया डाटा जो है फिल नहीं करना। लेट्स सपोज आपके पास कोई मेमोरी कार्ड है या मोबाइल में ऐसे कोई स्टोरेज में कोई चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, तो आपने दोबारा उसके साथ पंगा नहीं लेना है। इवन आपके पास जो विंडो है, अगर ये भी इसमें से भी डाटा आगे पीछे डिलीट हो गया, तो आपने नई विंडो बार बार करके ये गलती नहीं करनी, क्योंकि मैं 3-4 बार ये गलती कर चुका हूँ और डाटा काफ़ी सारा लॉस हो जाता है, बाद में रिकवर नहीं होता। तो फिर शॉप वाले भी जो हैं वो भी अच्छे तरीके से रिकवर करके नहीं दे सकते, क्योंकि डाटा लॉस हो जाता है, स्टोरेज जो है उसकी फंक्शनिंग आप डिस्टर्ब करते हैं। तो सॉफ्टवेयर है जी रेक्यूवा, इसे ओपन करते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आपने इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के फ़ौरन बाद आपके पास ये मेन स्क्रीन पर आ जाएगा। आपने इसे ओपन करना है ऐसे। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो ये इस तरह का कुछ डायलॉग बॉक्स या इसका मेन मेन्यू जो है ओपन होके आ जाएगा। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप किस तरह की फ़ाइल्स को रिकवर करना चाह रहे हैं। पिक्चर्स हैं, म्यूज़िक है, डॉक्यूमेंट है, वीडियोस हैं, कंप्रेस्ड फाइल्स हैं या ईमेल्स हैं। अगर आपकी सारा डाटा इस तरह का कुछ रिकवर करना चाह रहे हैं तो आप ऑल फाइल सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आप जो है वो म्यूज़िक या डॉक्यूमेंट या जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। मेरा इससे 3-4 बार वास्ता पड़ा है, लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुआ। तो काफ़ी पुराना इसके साथ लिंक है मेरा, तो मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी यहाँ पर इस केस में डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आपने ये नहीं समझना कि ये डॉक्यूमेंट से रिकवर करता है, ये ऑल फाइल्स रिकवर करता है। तो मेरी चूँकि डॉक्यूमेंट्स हैं, बल्कि मैं आपके लिए ये ना हो कि कोई व्यूअर समझे कि यहाँ पर ये सिर्फ डॉक्यूमेंट से रिकवर करता है। मैं ऑल फाइल्स ही क्लिक करता हूँ, हालाँकि मुझे चाहिए डॉक्यूमेंट्स जो रिसाइकल बिन में मेरी डिलीट हो गई हैं। तो मैं सिर्फ रिसाइकल बिन रिकवर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आपका जिस भी चीज़ से डाटा डिलीट हुआ है आपने उसको रिकवर करना है। तो यहाँ पर ये मैंने ऑल फाइल सेलेक्ट किया है, उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट के बाद वो फाइल लोकेशन पूछ रहा है आपसे कि आपकी लोकेशन कौन सी है जिससे डाटा डिलीट हुआ है। तो यहाँ पर इस केस में मेरी जो लोकेशन है, मेरी रिसाइकिल बिन है। अगर आपका मेमोरी कार्ड है या मोबाइल है या कोई और लोकेशन स्पेस, जैसे कि ये यहाँ पर स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर रहा है, तो ये विंडो की कोई भी डिस्क फाइल हो सकती है या आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में किसी भी स्टोरेज स्पेस से कोई डाटा डिलीट हुआ है तो वो रिकवर करके दे सकता है। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने अपनी वो स्पेसिफिक लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं रिसाइकिल बिन सेलेक्ट कर रहा हूँ, रिसाइकिल बिन नेक्स्ट करता हूँ मैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है इनेबल डीप स्कैन। अगर मैं डीप स्कैन करूँगा तो ये पुरानी से पुरानी फाइल भी निकाल के सामने ले आएगा जो मेरी डिलीट हुई होंगी। अगर मैं जस्ट ऐसे ओवर थ्रू करूँगा, ये वाला स्कैन करूँगा सिंपल, जो मैं इनेबल नहीं कर रहा डीप स्कैन को, तो कुछ चंद एक फाइल जो इजीली रिकवरेबल होंगी सिर्फ उन्हीं को सामने लेके आएगा। तो जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये देख लें इसने रनिंग अपनी स्टार्ट कर दी। तो ये 3 स्टेप हैं इसके। ये सामने बता रहा है कि स्टेप 1 ऑफ 3 स्कैनिंग ड्राइव फॉर डिलीटेड फाइल्स, की दूसरा स्टेप स्टार्ट हो गया। क्योंकि मेरा थोड़ा कम डाटा है और डिलीटेड फ्रॉम रिसाइकल बिन है, तो इसने जल्दी से रिकवर करके दे दिया है, रिकवर कर रहा है और बड़ी फास्ट रनिंग कर रहा है। अगर आपके पास भी कोई हार्डवेयर सेटअप को हार्ड एंड फास्ट है और बहुत अच्छे वाला है तो वो दे देगा। अब ये कह रहा है कि अनेबल टू डिटरमाइन दी फाइल सिस्टम टाइप, हार्ड, वॉल्यूम, ये वो कि आपका जो डाटा है वो सारे का सारा जो है वो रिकवर नहीं कर सका। ऑब्वियस है कि वो कई दिनों का डाटा होता है और इतना डाटा रिसाइकल बिन में होता है कि आप सारे का सारा नहीं रिकवर कर सकते। उसने मुझे कहा कि मैं सारे का सारा नहीं रिकवर कर सका, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसने मुझे रिकवर करके दिया है। ये देखें, अब ये आपके पास एक सामने लिस्ट आ गई है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी इनमें से कौन कौन सी फाइल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं वो मैं सेलेक्ट करूँगा और इन्हें मैं रिकवर कर लूँगा। इस केस में मैं आपके सामने जब आल फाइल्स सेलेक्ट की तो आप देख लें हर तरह की फाइल्स जो हैं, इवन के विंडो की डिलीटेड फाइल्स भी उसने सामने कर दी। तो यहाँ पर ये मेरी कुछ यूनिवर्सिटी की पिक्स पड़ी हुई हैं, ये मेरे काम की नहीं है, ये मैंने खुद डिलीट की हैं। इवन के मेरी फाइल्स थी कुछ PDF वो डिलीट हो गई यहाँ से, वो मैं देख लेता हूँ। ये CV थी मेरी अपनी बनाई हुई, ये डिलीट हुई है, तो इसकी लोकेशन भी साथ दे रहा है कि ये आपने किधर से डिलीट की और कब डिलीट की और स्टेट क्या है इसकी, किसी अच्छी हालत में रिकवर हो सकती नहीं हो सकती, साथ साइज हर चीज़ डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो मैं यहाँ से कुछ रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ आपको दिखाने के लिए। देखें मैं जैसे टिक कर रहा हूँ तो वो साथ साथ टिक हो रहा है, ये सारा डाटा बाहर निकल आएगा। ग्रीन स्पॉट का मतलब कि ये इजीली रिकवर हो जाएगा और बड़ी जल्दी रिकवर हो जाएगा। ये जो येलो सा स्पॉट है इसका मतलब कुछ पुअर होगी क्वालिटी, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके ये रिकवर हो जाएगा कुछ अच्छी बुरी हालत में। तो ये रेड वाला जो है, ये रेड निशान जो आ रहा है आपके पास, रेड स्पॉट, ये अनरिकवरेबल है। जबकि ये ग्रीन वाला जो है ना, ग्रीन वाला सारा ही रिकवरेबल है। ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, आप देखिएगा ये आपके सामने डाटा रिकवर करेगा और मुझसे पूछेगा आपने किधर भेजना है। तो ये मैंने कुछ रैंडम सी फाइल सेलेक्ट की हैं, अब इनको मैं रिकवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये रहा रिकवर का ऑप्शन, ये लें जी। तो वो मुझसे पूछ रहा है आपने रिकवर करके किस फाइल या फोल्डर में, आपकी डेस्टिनेशन कौन सी है। तो मैं डेस्कटॉप पर जाके एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। डेस्कटॉप किधर गया, ये आ गया डेस्कटॉप। इधर मैं सॉरी डॉक्यूमेंट्स के या डाउनलोड के किसी भी मैं फ़ोल्डर में फेंक देता हूँ इसे। ये डाउनलोड सेलेक्ट किया और ये यहाँ पर बल्कि न्यू फोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप। ये मैंने न्यू फोल्डर जनरेट किया डेस्कटॉप पे, ये मैंने न्यू फोल्डर जनरेट किया और इसमें ये मैंने ओके कर दिया। तो ये मेरा थोड़ा सा डाटा था, ये इसने रिकवर कर दिया। इवन कि आपकी लार्ज से लार्ज फाइल्स भी जो है ना, ये मिनटों में आपके हार्डवेयर पे डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सीडेटेड है, तो ये जल्दी से जल्दी रिकवर करके आपको दे देगा। मेरा एक बार काफ़ी सारा डाटा लॉस हो गया USB से, तो मैंने जो है तकरीबन आधा या तकरीबन 45 मिनट तक मैंने ये रनिंग करवाई। इसकी रनिंग के बाद फ़ौरन सारे का सारा डाटा रिकवर हो गया था USB का। तो ऑफिस फाइल्स थी कुछ काफ़ी सारी, मैंने रिकवर की इसे। तो ये ओके हो गया, मेरे पास डाटा जो है वो रिकवर होके आ गया। मैंने नया फोल्डर बनाया था, ये लें जी, ये फोल्डर। और ये मेरी PDF फाइल्स जो मैंने CV वगैरह जनरेट की थी, बल्कि 2 वीडियो फाइल्स भी आपके सामने आ गई। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा सारा का सारा। अब ये यहाँ पर ओपनेबल है या नहीं है ये भी देख लेते हैं। ये इसे मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरा PDF ओपन हो गया है जो मैंने डिलीट किया था। ये CV का एक फॉर्मेट था, ये मैं डिज़ाइन कर रहा था, तो ये हो गया। इसके बाद ये देखें, ये दूसरा PDF फोल्डर है, ये भी अच्छे तरीके से आ गया मेरे पास। 1-2 वीडियो फाइल्स आ गई, ये आप देख सकते हैं। ये सामने आपके वीडियो फाइल्स जो हैं MP4 फॉर्मेट में, ये मुझे नहीं चाहिए थी, तो ये भी आ गई। इस तरह का डाटा जो है मैंने आपके सामने काफ़ी अच्छे तरीके से रिकवर कर लिया। 1-2 और इसके बारे में ज़रा प्रिकॉशंस हैं, वो आप देख लें कि जब आप रेक्यूवा इंस्टॉल कर रहे हो तो तब आपका इंटरनेट जो है वो ऑफ होना चाहिए। रेक्यूवा इंस्टॉल करते हुए आपका जो है ये इंटरनेट ऑफ होना चाहिए, अदरवाइज़ ये रनिंग स्टार्ट कर देगा। किस चीज़ पर, ये इंटरनेट पर जाके अपनी रनिंग स्टार्ट कर देगा और आपका सही तरह से वर्क नहीं करेगा। आपने इंटरनेट ऑफ रखना है और इसे रन करवाना है। तो इसे जैसे रन करवाएंगे ये आपका सारे का सारा डाटा जिधर से आप चाहेंगे, शर्त यह है कि आपने उसके साथ किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना की हो, तो आपका डाटा रिकवर करके दे देगा। तो ये था रेक्यूवा और रेक्यूवा के अबाउट ट्यूटोरियल। मेरा इस पर बिलीव है और मेरा इसके साथ काफ़ी पुराना लिंक है। मेरा बाज़ औक़ात ऐसा वैसा हो जाता है कि डाटा डिलीट हो जाता है और ये सारे का सारा डाटा रिकवर करके देता है। 95% प्लस तक जो है इसका सक्सेस रेट है। तो होपफुली आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा, पसंद भी आएगा। तो आपने जो है इसे डाउनलोड कर लेना है और अपना वर्क करना है। अब तक के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।